दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण ने अपनी लीलाओं में हमेशा याद दिखाया था कि राधा और श्री कृष्ण दो नहीं बल्कि एक हैं। लेकिन तब भी राधा के साथ श्री कृष्ण का विवाह नहीं हो पाया। अब देवी राधा के बाद भगवान श्री कृष्ण की प्रिय देवी रुक्मणी हुई। लेकिन देवी रुक्मणी और श्री कृष्ण के बीच प्रेम कैसे हुआ, इसकी बड़ी अनोखी कहानी है। और इस कहानी से प्रेम की एक नई परंपरा की शुरुआत भी हुई। कैसे, तो आइए जानते हैं। दोस्तों, देवी रुक्मणी विदर्भ के राजा भीष्मक की पुत्री थी। रुक्मणी अपनी बुद्धिमता, सौंदर्य और न्यायप्रिय व्यवहार के लिए प्रसिद्ध थी। रुक्मणी जी का पूरा बचपन श्री कृष्ण के साहस और वीरता की कहानियां सुनते हुए बीता था। जब विवाह की उम्र हुई तो इनके लिए कई रिश्ते आए, लेकिन उन्होंने सभी को मना कर दिया। इनके विवाह को लेकर माता पिता और भाई रुक्मी चिंतित थे। अब एक बार पुरोहित जी द्वारिका से भ्रमण करते हुए विदर्भ आए। विदर्भ में उन्होंने श्री कृष्ण के रूप गुण और व्यवहार का अद्भुत वर्णन किया। पुरोहित जी अपने साथ श्री कृष्ण की एक तस्वीर भी लाए थे। देवी रुक्मणी ने जब तस्वीर को देखा तो वह भव विभोर हो गई और मन ही मन श्री कृष्ण को अपना पति मान। लेकिन इनके विवाह में कठिनाई यह थी कि इनके पिता और भाई का संबंध जरासंध, कंस और शिशुपाल से था। इस कारण में श्री कृष्ण से रुक्मणी का विवाह नहीं करवाना चाहते थे। राजनीतिक संबंधों को ध्यान में रखते हुए जब रुक्मणी का विवाह शिशुपाल से तय कर दिया तो रुक्मणी ने प्रेम पत्र लिखकर ब्राह्मण कन्या सुनंदा के हाथ श्री कृष्ण के पास भेज दिया। श्री कृष्ण ने भी रुक्मणी के बारे में काफी कुछ सुन रखा था और वह उनसे विवाह करने की इच्छा रखते थे। जब उन्हें रुक्मणी का प्रेम पत्र मिला तो प्रेम पत्र पढ़कर श्री कृष्ण को समझ आया कि रुक्मणी जी संकट में हैं। उन्हें संकट से निकालने के लिए श्री कृष्ण ने अपने भाई बलराम के साथ मिलकर एक योजना बनाई। जब शिशुपाल बारात लेकर रुक्मणी जी के द्वार आए तो श्री कृष्ण ने रुक्मणी जी का अपहरण कर लिया। रुक्मणी जी के अपहरण के बाद श्री कृष्ण ने अपना शंख बजाया। इसे सुनकर रुक्मी और शिशुपाल हैरान रह गए कि यहाँ श्री कृष्ण कैसे आ गए। इसी बीच उन्हें सूचना मिली कि श्री कृष्ण ने रुक्मणी का अपहरण कर लिया है। क्रोधित होकर रुक्मी श्री कृष्ण का वध करने के लिए उनसे युद्ध करने निकल पड़ा। रुक्मी और श्री कृष्ण के मध्य युद्ध हुआ था, जिसमें कृष्ण विजयी हुए और रुक्मणी को लेकर द्वारिका आ गए। द्वारिका में रुक्मणी और श्री कृष्ण के विवाह की भव्य तैयारी हुई और विवाह संपन्न हुआ। अब कुछ ऐसी भी कथा है कि देवी रुक्मणी और देवी राधा दो नहीं बल्कि एक थी। बचपन में पुतना इन्हें विदर्भ से चोरी करके आकाश मार्ग से ले जा रही थी, तो रास्ते में रुक्मणी जी ने अपना वजन बढ़ाना शुरू कर दिया, जिससे घबराकर पुतना इन्हें छोड़कर भाग गई। इन्हें बाल्यकाल में वृषभानु जी ने पाला। बाद में श्री कृष्ण के मथुरा चले जाने के बाद राजा भीष्मक को पता चला कि उनकी पुत्री बरसाने में है, तो उन्हें अपने साथ ले आए और देवी राधा ही रुक्मणी कहलाने लगी। दोस्तों, आपका राधा कृष्ण से जुड़ी इस घटना के बारे में क्या कहना है, हमें कमेंट्स के माध्यम से जरूर बताएं। और इस वीडियो का पार्ट टू चाहिए हो तो कमेंट्स में पार्ट टू जरूर लिखें। और साथ ही साथ अगर आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई हो तो टारगेट रखते हैं 5000 लाइक। अब 5000 लाइक इतने ज्यादा तो है नहीं, तो उस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूले। और जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, उनसे मेरी गुजारिश है कि हमसे जुड़े रहने के लिए और ऐसे ही और भी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।